हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहितमंग प्रकाश, और आज हम युगलीना में हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया था। इसमें आज हम उसमें ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, परासरण नियमन क्रिया, अंतःपरासरण, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस द्वारा अंदर प्रवेश करने वाले जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर त्यागने की क्रिया शरीर के अगले भाग में स्थित संकुचनशील उपकरण द्वारा होती है। इग्लिना की पेलिकल जल के लिए पारगम्य होती है, इसलिए युगलीना के शरीर में एंडोऑस्मोसिस द्वारा जल निरंतर प्रवेश करता रहता है। शरीर के अंदर वाले जीव द्रव्य और बाहर के स्वच्छ जल की सांद्रता में अंतर होने के कारण अंतःपरासरण की क्रिया होती है। युगलीना ब्रेडस के संकुचनशील उपकरण यानी कॉन्टेक्टाइल एपरेटस में एक बड़ी रिक्तिका के चारों ओर अनेक छोटी छोटी एसेसरी वैक्यूल्स होती हैं। साइटोप्लाज्म वाटर की अतिरिक्त मात्रा को इन छोटी छोटी रिक्तिकाओं या वैक्यूल्स में स्रावित करता रहता है, और छोटी रिक्तिकाएं अपने अंदर इकट्ठे हुए जल को बड़ी रिक्तिका में उड़ेलती रहती हैं। यह भी संभव हो सकता है कि पहले सहायक रिक्तिकाएं बनती हों जो पूरी बढ़ जाने पर परस्पर मिलकर बड़ी रिक्तिकाएं बनती हों। अंत में बड़ी रिक्तिका इस जल को आशय में त्याग कर खाली हो जाती है, यानी रिजर्वायर में त्याग कर खाली हो जाती हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया बड़ी संकुचनशील रिक्तिका यानी कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल के अनुशीथलन डायस्टोल अर्थात आयतन में वृद्धि और प्रकुंचन सिस्टोल अर्थात आयतन में कमी होने से होती है। जैसे हमारा हार्ट, हमारे जो हार्ट है, ठीक है, वो सिस्टोल और डायस्टोल यानी ब्लड को फेंक, जो हमारे लंग्स जो हैं वो सिस्टोल और डायस्टोल प्रोसेस करते हैं। जैसे उसमें हवा भरती है तो वो डायस्टोल, ठीक है, तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, और उसके आयतन में जो कमी होती है वो सिस्टोल प्रोसेस होती है। उससे हम प्रकुंचन और उससे अनुशीथलन। अनुशीथलन होने पर संकुचनशील रिक्तिका यानी कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल वाटर से भर जाती है, और प्रकंचन होने पर यह अपने अंदर भरे हुए जल को रिजर्वायर में उड़ेल कर खाली हो जाती है। यानी कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल के अंदर जो वाटर होता है वो रिजर्वायर में उड़ेल लेती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल की रिजर्वायर से लगी हुई लैटरल वॉल अस्थायी होती है, और सिस्टोल स्टेज में फट जाती है। वो क्या होती है? सिस्टोल स्टेज में फट जाती है, जिससे कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल रिजर्वायर की
सीलों में फट जाती है। इस प्रकार सिस्टोल स्टेज का अंत होते होते कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का पूरा पूरे समस्त जल आशय में निकल आता है, यानी रिजर्वायर में निकल आता है। अमोनिया जो अपचयन क्रिया यानी कैटाबॉलिज्म का एक नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पाद है, शरीर की सामान्य सतह से विसरण द्वारा बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जी पदार्थ भी संकुचनशील रिक्तिका द्वारा आशय में निकाले जा सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि संकुचनशील तंत्र के चारों ओर के कोशिका द्रव्य का सघन भाग परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन दोनों कार्य करता है। यह सघन भाग ही रिक्तिका के अवकाश में जल और उत्सर्जी उत्पादों का स्राव करता है। आइए अब हम इसके डायग्राम देखेंगे कि कैसे यह वाटर को बाहर निकालता है। देखिए कि ये ऑस्मोरेगुलेशन के कई सारे डायग्राम हैं, ठीक है, चार डायग्राम हैं यहाँ पर और चारों डायग्राम आप देखिए किस तरीके से वर्क करते हैं। स्टिग्मा है, ठीक है, इसमें ब्लीफेरोप्लास्ट और रिजर्वायर और जोन ऑफ एस्किरेटरी साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है वो हमारा एस्क्रीटरी जोन कहलाता है, ठीक है। ये हमारा लोकोमोटरी फ्लैजलम है। अगले हम उसके अगले पार्ट में चलते हैं यानी बी पार्ट में। इसमें हमारे साइटोप्लाज्म छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। ये हमारे इसमें साइटोप्लाज्म एसेसरी वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और अगला सी पार्ट हमारा जो स्टिग्मा है उसमें स्मॉल लोकोमोटरी फ्लैजलम के साथ साथ एक स्मॉल फ्लैजलम भी बनता है और उससे एसेसरी वैक्यूल से एक लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है और ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और उसकी अगली स्टेज में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वॉल, ठीक है, वो वहां से फट जाती है रिजर्वायर में और वाटर जो है वो सारा रिजर्वायर में चला जाता है। देखिए ये वैक्यूल वर्स्टिंग यानी यहाँ पे वैक्यूल जो है वो वर्स्ट हो जाती है और पूरा वाटर अंदर चला जाता है। तो युग्लिना में संकुचनशील रिक्तिका के अनुशीतलन और प्रकुंचन की क्रमिक अवस्थाएं, ये चारों स्टेजेस इसके सिस्टॉल और डायस्टॉल प्रोसेस को दर्शाती हैं। और इसके हम व्यवहार की बात करते हैं, ठीक है, युग्लिना का व्यवहार कैसा होता है हम उसकी भी बात करते हैं। तो युग्लिना विविध प्रकार के उद्दीपनों के प्रति उसी प्रकार व्यवहार करता है जिस प्रकार अन्य प्रोटोजोआ एनिमल करते हैं। जैसे अन्य प्रोटोजोआ एनिमल कैसे करते हैं अभी हम वो भी देखेंगे कि अदर जो एनिमल्स हैं वो कैसे उस रिएक्ट करते हैं सनलाइट के तरफ, वो हम देखेंगे, ठीक है।
ये हमारा इसका डायग्राम हमने पहले बनाया है कि युग्लिना के प्रकाश के प्रति प्रक्रिया का प्रदर्शन, ठीक है। ये सील्ड ऑफ सैडी एरिया है, ये मॉडरेट लाइट है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग लाइट है, ये युग्लिनी है, और बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट यानी लाइट की बीम पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग युग्लिना कैसे व्यवहार करता है। तो आइए देखते हैं लाइट के प्रति प्रतिक्रिया, रिएक्शन टू लाइट। यह अत्यंत प्रकाश संवेदी है, यानी लाइट सेंसिटिव है, बहुत तेज प्रकाश तथा सायेदार भाग से सदा दूर जाता है, परंतु लेकिन जनरल लाइट जैसे खिड़की से आते हुए सामान्य प्रकाश के लिए धनात्मक प्रतिक्रिया प्रकट करता है। अधिकांश पर्णहरितधारी सचल और मुक्त जीवी एक कोशिक जीवों की भांति है सामान्य प्रकाश किरणों के समांतर व्यवस्थित हो जाता है और प्रकाश के उद्गम की दिशा में तैरने लगता है। युग्लिना के संवर्धन से भरी एक डिश में अधिकांश प्राणी प्रकाश की ओर एकत्र हो जाते हैं। यदि डिश को सूर्य के सीधे प्रकाश में रखा जाए और इसके आधे भाग को ढक दिया जाए तो देखा गया है कि प्राणी सीधे प्रकाश और छाया दोनों से बचकर दोनों भागों के बीच एक पतली पट्टी में एकत्र हो जाते हैं और वहीं पर अपनी क्रिया स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए हमने आज देखा कि हमने इसमें युग्लिना में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है और कल हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।